NA 126 लाहौर में बदतरीन धांधली की प्लानिंग जो है वो सरगर्मी अमल है इस वक्त। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बात करते हैं जी मलिक तौकीर अब्बास NA 126 लाहौर से, उनका एक वीडियो बयान सामने आया जी। उन्होंने कहा कि बदतरीन धांधली की प्लानिंग जो है वो सरगर्म है। उन्होंने कहा कि 84 पोलिंग स्टेशन का नतीजा अभी बाकी था और 27,000 की लीड चल रही थी और जो कि नून लीग के उम्मीदवार के साथ उनका एक सख्त मुकाबला है। और उन्होंने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो अचानक से गायब हो गया और जब उनको ये पता चला कि लीड जो है वो 50,000 से भी ज़ायद जो है वो हो चुकी है, तो अचानक से रिटर्निंग ऑफिसर गायब हो गए और वहाँ पे जो पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी उन्होंने PTI के लोगों को बाहर निकाल दिया। और साथ ही साथ उन्होंने ये कलमा पढ़ा, उन्होंने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। PTI यहाँ से क्लीन स्वीप कर रहा है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की जो सीट है जो कि यास्मीन राशिद साहब से वो हार रहे हैं और NA 126 की जो सीट है इसकी वजह से जो इलेक्शन के नतीजे हैं इनमें ताखीर की जा रही है जानबूझ के और ये धांधली की एक आला मिसाल कायम की जा रही है। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया ख़ुद कह रही है कि RO को किसने उठाया ये आपको भी पता है और आपको ये भी मालूम है कि आप ही जीत रहे हैं लेकिन आपको यहाँ पे ठहरने की इजाज़त नहीं, आप बाहर जाएं, आप इधर नहीं रुकेंगे। और उन्होंने कहा कि हमारे पास अटेस्टेड फॉर्म 45 मौजूद हैं जिनके ऊपर 50,000 की रिकॉर्ड लीड मौजूद है और अगर इस 50,000 की लीड के बावजूद भी धांधली की गई तो फिर मैं यही कह सकता हूँ कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।